थकी हूँ काम कर करके। यार वो कागज है ना, करिए थे आप जब भी मैं आता हूँ घर, आप सोई रहती हो लेटी रहती हो, कोई दुनिया का काम धंधा ही नहीं रहेगा तेरे। और जा उठ के खुदा करा पढ़ा करे, जा उठ के कागज काट के दे दे मेरे। खेल बेटी तू थकी हुई लेटी है, पैसे मेरे तेरे काम का फिर तेरे समझ नहीं आती है, जा उठ के कागज काट के फटा दे। सारा दिन काम करती रही हूँ, जो भी आगे वेखे बैठते बैठते बैठी है तू सारी दिहाड़ी। तू औरतों काम की होता है, इन्ना के काम है, सुबह रोटी बना ली, शाम बना ली, घर की सफाई कर ली, और की काम होता है। इस अलावा कोई काम होता है बंदा, सर बच्चे और जिम्मे मर्जी रोलते रहन, जिथे मर्जी धक्के खाते रहन, कोई गल नहीं कोई बात नहीं, बस ये पता है खा लिया पका लिया बना लिया सुना लिया। दो काम तुम सारी दिहाड़ी, जो तीन काम सारी जिंदगी करने होंगे, बना लिया खा लिया पा लिया बस। इस अलावा कोई काम है तू जा उठ के कागज करके फड़ा दें। मुझे लगता है कोई भी काम नहीं किया इसने, और कोई भी काम हुआ ही नहीं है घर में, सारा चारों तरफ गंद ही गंद नजर आ रहा है, पता नहीं ये किधर चली गई। चलो मैं पूछता हूँ इससे किधर गई है। हाँ हाँ ठीक है, अच्छा अच्छा हाँ बिल्कुल ओके ओके, चलो ठीक है। आज आपने कोई भी घर का काम नहीं किया हुआ। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ एक मिनट। हाँ हाँ मैं करती हूँ बाद में इंशाल्लाह। कोई भी काम नहीं किया घर का। आप ही तो कहते थे औरतें क्या करती है सारा दिन, तो देख लें फिर क्या हालत है। मैंने तो आज कुछ भी नहीं किया, अब आपको इस चीज़ का अंदाजा तो हो ही गया होगा। अगर आप ऑफिस में सारा दिन काम करते हैं, आपकी तबीयत खराब हो जाती है तो आप तो छुट्टी लेके आ जाते हैं, लेकिन हम औरतें ठीक हों या ना हों हमें ये सब कुछ करना पड़ता है। तो आप देख ले आज मैंने कुछ नहीं किया तो घर की हालत कैसी है, तो हम तो कुछ करते नहीं है ना। ना ही आपने बेबी को स्कूल भेजा, घर का कोई काम नहीं किया। चलो मैं अपनी गलती, तो वो आपने ही तो ये चीज़ बोली थी ना कि औरतें करती ही क्या सारा दिन, आपको तो आपके काम की मेहनत मिलती है, लेकिन हम जो हाउस वाइफ होती हैं कुछ भी नहीं मिलता। अपने घर में भी नौकरानियाँ होती हैं और आपके घर में भी हम नौकरानियाँ, ना तो हमारा कोई घर है ना कुछ, हम लोग दुनिया में सिर्फ काम करने आए हैं। हम औरतें सिर्फ थोड़ी सी इज्जत की मोहताज हैं, अगर आप थोड़ी सी इज्जत कर देंगे तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो मेरी सब मियाँ बीवी से यही गुजारिश है कि अपने रिश्ते को समझें, एक दूसरे को इज्जत दें, ताकि अगर आप एक दूसरे की इज्जत करेंगे तो आपकी औलाद आपकी इज्जत करेगी। ये हमारा सबके लिए एक बहुत अच्छा लेसन था, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, थैंक यू, बहुत शुक्रिया।